गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर बेटा, तो फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉइज के अंदर अपने सेल और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स, यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी भी मूवेबल एसेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट पर ट्रांसफर करता है, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो अपन ने इसके अंदर देखा। आज बेटा इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जी पॉइंट ले रहे हैं अपन, इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी। यदि कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को यदि इंटरेस्ट फ्री लोन देता है ना, यानी उससे कोई अमाउंट एज ए लोन के रूप में दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का अमाउंट उससे चार्ज नहीं किया, तो जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या माना जाएगा, उसका सैलरी माना जाएगा, और उसको अपन उसकी टैक्सेबल सैलरी निकालते समय इंक्लूड करेंगे, यानी इंटरेस्ट के अमाउंट को उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसका नॉर्मल प्रोविजन बड़ा यही है कि यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फ्री इंटरेस्ट लोन फैसिलिटी देता है, उस कंडीशन के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर जो 1 अप्रैल को SBI की जो इंटरेस्ट रेट है, उस इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यदि कोई अमाउंट इंटरेस्ट की अमाउंट यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं, तो वो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो नॉर्मल बड़ा समझो है प्रोविजन कि यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन फैसिलिटी दे रहा है, यानी कोई लोन दे रहा है लेकिन उससे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, उस स्थिति के अंदर उस कंडीशन के अंदर उसके ऊपर जो SBI की इंटरेस्ट रेट है प्रीवियस ईयर के अंदर 1 अप्रैल को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लगाया जाएगा उस लोन के ऊपर। यदि कोई इंटरेस्ट की अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है, तो उसको अपन क्या करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में से, बैलेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, ये प्रोविजन है बेटा। अब लोन किस किस पर्पज़ के लिए हो सकता है, जैसे बेटा हाउसिंग लोन हो सकता है, हाउस के लिए अगर लोन दिया है तो उस कंडीशन उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कोई मोटर कार परचेज करने के लिए, या टू व्हीलर जैसे स्कूटर वगैरह परचेज करने के लिए, है ना, या अपने एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड अगर लोन दे रखा है उस कंडीशन उसकी इंटरेस्ट रेट है, या पर्सनल लोन है उस स्थिति के अंदर। तो ये जो इंटरेस्ट ऑफ जो इसके अंदर है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट की रेट है वो आपकी बड़ा बुक के अंदर एक टेबल बना के दे रखी है, उसके अंदर वो रेट है, वो रेट आपको ध्यान में रखनी है कि हाउसिंग लोन के ऊपर कितनी है, मोटर कार लोन पर कितनी है। पहले तो बड़ा इसमें यूज्ड यानी सेकेंड हैंड मोटर कार और न्यू मोटर कार के ऊपर अलग अलग भी होती थी, इस बार के अपने जो बुक्स हैं उसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग अपने को इंटरेस्ट लगाना है। एजुकेशनल पर कितना है, यदि बॉयज है तो कितना है, और अगर वो गर्ल्स साइड है तो कितना है, ये दोनों ही कंडीशन में अलग अलग होगा। पर्सनल लोन है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट कितनी है बड़ा, ये अपन उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन का सिंपल सा प्रोविजन है कि जो SBI की इंटरेस्ट रेट है उस रेट से अपन इंटरेस्ट लगाएंगे, यदि कोई अमाउंट रिकवर्ड है वो उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, इतना से नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर है कि यदि कोई पर्सनल पर्पज़ के लिए लोन लेता है, पर्सनल पर्पज़ के लिए तो वो कुछ भी हो सकता है, उस स्थिति के अंदर उस सिचुएशन के अंदर अपना 20,000 तक का जो अमाउंट हो इसके अंदर लोन है वो एग्जेम्प्टेड है। यदि लोन के अमाउंट 20,000 रुपये तक है तो उस कंडीशन के अंदर वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर ये भी है कि यदि इम्प्लॉई इम्प्लॉयर से स्पेसिफिक डिजीज के लिए, खुद के लिए या तो सेल्फ के लिए या अपने फैमिली मेम्बर के ट्रीटमेंट के लिए अगर लोन लेता है, उस स्थिति के अंदर उसका इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्टेड होगा। क्या बताया इसके अंदर, ये बताया इसमें 2 पॉइंट बताया बेटा, यदि पर्सनल पर्पज के लिए, पर्सनल पर्पज कुछ भी हो सकता है, सोशल वर्क वगैरह भी हो सकते हैं, कोई फॉर्मालिटी है जो अपना फैमिली से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है, उस स्थिति के अंदर 20,000 तक का अगर उसने लोन लिया तो उसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्टेड होगा, उसके टैक्सेबल सैलरी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि इम्प्लॉई सेल्फ के लिए या अपने फैमिली मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक डिजीज के लिए, जैसे बड़ा कैंसर है, एड्स है, ये है ना, जैसे कोई हार्ट वगैरह से रिलेटेड अगर उसको प्रेस्क्राइब डिजीज में ले रहे हैं, तो उस प्रकार की अगर उसको स्पेसिफिक या डिजीज मानना है तो उस स्थिति के अंदर ये कंडीशन लागू होती है कि यदि उसने कोई इंटरेस्ट और फ्री लोन लिया है, यानी लोन उसके इम्प्लॉय ने उसको प्रोवाइड किया है,
तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट है वो नहीं लगेगा इसके अंदर। इसके अलावा बेटा अपन और भी इसमें बता सकते हैं, जैसे जैसे फैमिली मेंबर के अंदर बेटा किसको काउंट करेंगे, फैमिली मेंबर के अंदर इम्प्लॉई सेल्फ, उसका लाइफ स्पाउस, उनके चिल्ड्रन यानी इम्प्लॉई के बच्चे, उसके अलावा डिपेंडेंट पेरेंट्स यानी मदर और फादर दोनों इसके अंदर आएंगे, और डिपेंडेंट्स यदि कोई ब्रदर और सिस्टर है वो भी इसके अंदर काउंट है, ठीक है। यदि फैमिली मेंबर के अंदर अगर पूछा जाए तो इसके अंदर इम्प्लॉई सेल्फ, उसका लाइफ स्पाउस, उनके चिल्ड्रन, इसके अलावा उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स यानी मदर और फादर, और उसके जो डिपेंडेंट है वो ब्रदर और सिस्टर है वो उनके फैमिली मेंबर के अंदर काउंट करेंगे, इसके अंदर उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मैंने बताया कि अपनी जो बुक्स है उसके अंदर एक पूरी टेबल बना के दे रखी है, उस बुक से आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ट्रेवलिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द हॉलीडे, नेक्स्ट इसमें है ट्रेवलिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग हॉलीडेज। यदि बड़ा हॉलीडेज के अंदर यानी छुट्टियों में कोई भी इम्प्लॉई अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं भी बड़ा घूमने के लिए जाता है, और उस स्थिति के अंदर यदि इम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी अमाउंट पेड किया जाता है ट्रेवलिंग फैसिलिटी के लिए, तो वो अमाउंट टैक्सेबल होगा यदि उसने उसके इम्प्लॉई के ऊपर और उसके फैमिली मेंबर के ऊपर यदि एक्सपेंडिचर के रूप में की है तो, ठीक है। यानी ट्रेवलिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द हॉलीडेज का मतलब समझो आगे, यदि छुट्टियों के अंदर बड़ा इम्प्लॉई अपने फैमिली मेंबर के साथ घूमने के लिए जाता है, उस स्थिति के अंदर इम्प्लॉयर द्वारा पेड किया गया अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, उसके टैक्सेबल सैलरी के अंदर शामिल किया जाएगा। इसमें एक कंडीशन आती है बेटा, यदि इम्प्लॉई ऑफिस वर्क के लिए यदि कहीं गया है तो उस और साथ में अपने फैमिली मेंबर को भी लेके चला गया या साथ में उनको भी साथ में लेके गया, तो उस स्थिति के अंदर जो इम्प्लॉई के ऊपर जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हुआ है वो तो एग्जेम्प्टेड होगा, और उसके जो फैमिली मेंबर का जो ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर है वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एज पॉइंट बड़ा कि अपना ट्रेवलिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द हॉलीडेज का मतलब यदि इम्प्लॉई अपने फैमिली मेंबर के साथ छुट्टियों के अंदर घूमने के लिए जाता है, उस स्थिति के अंदर इम्प्लॉई के और उसके फैमिली मेंबर के ऊपर जो इम्प्लॉयर एक्सपेंडिचर करता है वो अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। यदि इम्प्लॉई, इसमें एक नोट है बड़ा, एक कंडीशन है, यदि इम्प्लॉई ऑफिस वर्क के लिए कहीं जा रहा है और साथ में अपने फैमिली मेंबर को भी लेके गया है, तो उस स्थिति के अंदर इम्प्लॉई के ऊपर किया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस तो एग्जेम्प्टेड होगा, और उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके ऊपर जो किया गया एक्सपेंडिचर है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। ये बड़ा इसका सिंपल सा पॉइंट है, यदि ट्रेवलिंग फैसिलिटी का पॉइंट आए तो आपको उसको सिंपल वे के अंदर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना है आई पॉइंट है बड़ा इसके अंदर अपना फ्री फूड टी स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक फैसिलिटी। इसमें देखिए बड़ा फ्री फूड टी कॉफी स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक फैसिलिटी। यदि बड़ा इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉई को भोजन की चाय है ना कॉफी या कोई सॉफ्ट ड्रिंक की फैसिलिटी अगर दे रहा है, तो उस स्थिति के अंदर उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस है वो अपन इसके अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बड़ा इसके अपन दो पार्ट बना देते हैं, एक तो जैसे ये चाय कॉफी है ना बड़ा, टी कॉफी स्नैक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक है, उसका जो प्रोविजन है वो तो अलग है, और फूड की जो फैसिलिटी है उसका जो प्रोविजन है वो अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका दो पार्ट बना देते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बड़ा इसके अंदर लिखिए, इसके अंदर अपना जो आएगा कि टी कॉफी स्नैक्स सॉफ्ट ड्रिंक फैसिलिटी ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स यदि दी है, यदि इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉयज को या तो टी की बड़ा या कॉफ़ी या उनके साथ स्नैक्स या सॉफ्ट ड्रिंक की यदि फैसिलिटी दे रहा है ना, और वो भी कब दे रहा है बड़ा, ऑफिस आवर्स के दौरान यानी कार्यशील घंटे है ना उनके दौरान अगर दे रहा है, तो उस स्थिति के अंदर इसका एक सिंपल सा प्रोविजन है, ये फैसिलिटी वो क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगी।
क्योंकि इसका एक कारण होगा कि जो ये फैसिलिटी जो अपन ने देखी है, ये एक प्रकार से रिफ्रेश करने वाली फैसिलिटी है। रिफ्रेश करने के बाद जैसे कोई एम्प्लॉय बड़ा लगातार 3-4 घंटे से काम कर रहा है और उसको फिर चाय या कॉफ़ी या कोई हल्का नाश्ता अगर उसको दिया जाता है, तो उससे जो उसका एफिशिएंसी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और जब एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो गया, उस स्थिति के अंदर वो और भी बढ़िया काम करता है, यानी उसका जो कार्य करने की जो कैपेसिटी है वो पहले से बढ़िया हो जाती है। इसलिए जो उसका बेनिफिट है वो एम्प्लॉयर को मिलता है, न कि ज़्यादा एम्प्लॉय को मिलता है। तो इस फैसिलिटी को क्या माना गया है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड माना गया है। सेकेंड है इसके अंदर फ्री फूड फैसिलिटी, इसको अलग कर देंगे अपन। यदि खाने पीने की फैसिलिटी दी है बड़ा, यानी भोजन की सुविधा दी गई है उस स्थिति के अंदर, और कब दी गई है बड़ा, वो भी सेम चीज है, ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स। यदि उसके वर्किंग टाइम के अंदर यदि फूड या मील की फैसिलिटी दी गई है, भोजन की फैसिलिटी दी गई है, खाने पीने के लिए फैसिलिटी दी गई है, उस स्थिति के अंदर बड़ा अपना प्रोविजन क्या होगा। यदि ये ऑफिस आवर्स के दौरान है तो इसका एक सिंपल सा प्रोविजन, इसके प्रोविजन के अंदर है ₹50 per diet, यानी एक टाइम यदि वो खाना खाता है उसको बड़ा डाइट बोलते हैं, विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी ₹50 तक की अगर वो डाइट की कॉस्ट है तब तो वो एग्जेम्प्टेड होगी। यानी मान लीजिए उसकी जो एक डाइट उसकी कॉस्ट ₹40 आ रही है, तो 40 आने का मतलब हो गया है कि वो फैसिलिटी बड़ा क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ₹50 तक एग्जेम्प्टेड है। यदि बड़ा उससे ज़्यादा है ना, ये कह रहे हैं ₹50 per diet विल बी एग्जेम्प्टेड, ये एंड एक्सेस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। यदि उसकी एक्सेस अमाउंट आ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर वो अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये बड़ा इसका सिंपल सा प्रोविजन है, इसके अंदर ₹50 diet तक तो एग्जेम्प्टेड है। अब मान लीजिए कि बड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉय को अपन फूड फैसिलिटी देते हैं ना, इसका तो अपने को देखना ही नहीं है, है ना, सिंपल सा है। यदि टी कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक या स्नैक्स वगैरह की फैसिलिटी अगर ऑफिस आवर्स के दौरान है तब तो एग्जेम्प्ट कर दीजिए, यदि ऑफिस आवर के अलावा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, इतना सा ध्यान रखना इसमें तो। और उसके अंदर बड़ा फूड फैसिलिटी के अंदर भी ध्यान रखना कि यदि ऑफिस आवर्स के बाद है तो फुल्ली टैक्सेबल है, ये प्रोविजन मत लगा देना उसके अंदर, जैसे डाइट की कॉस्ट निकालने बैठ जाओ उसके अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। और यदि बड़ा ये ऑफिस आवर्स के दौरान है तो उस कंडीशन में ₹50 तक तो अपने को एग्जेम्प्टेड करना है, और रिमेनिंग अमाउंट यदि बैलेंस अमाउंट है उसको क्या कर देना है, टैक्सेबल करना है। इसका बड़ा एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, जैसे एक एम्प्लॉई है बड़ा, उसकी जो कॉस्ट ऑफ मील है कॉस्ट ऑफ मील बड़ा 2000 से है ना पर मंथ, और वर्किंग डेज इसके अंदर 25। अब आपको ये बताना है कि इसके अंदर पर डाइट है वो कितने रुपए टैक्सेबल होंगे, यानी एक डाइट का जो अमाउंट है वो कितना टैक्सेबल होगा वो बताना है। तो देखिए बहुत आसान है, 2000 दे रखे हैं है ना, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 से डिवाइड करते ही कितना आएगा, 80 रुपये बड़ा इसकी कॉस्ट आ रही है एक डाइट की। अपना प्रोविजन क्या है, 50 इसमें से कम कर दीजिए, कितना हो गया 30 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद भी अगर ध्यान रखना है इसके अंदर, अब इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, टैक्सेबल अमाउंट बड़ा इसके अंदर पर डाइट कितना लेना अपने को, ₹30 लेना, यानी एक डाइट की कॉस्ट कितनी लेनी है, ₹30 अपने को टैक्सेबल करना है। यदि कोई अमाउंट इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं फॉर द फूड फैसिलिटी मील फैसिलिटी के लिए, तो जो अमाउंट आपने कैलकुलेट की है उसमें से उसको माइनस करना है, यानी कोई भी अमाउंट यदि रिकवर्ड करता है इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉय से तो उस अमाउंट को अपन इस फैसिलिटी के अमाउंट से क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे इसके अंदर से, यानी लेस कर देंगे। बाकी यदि रिमेनिंग अमाउंट यदि प्लस में तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, यदि प्लस में नहीं है तो का टैक्सेबिलिटी अपन कैलकुलेट नहीं करेंगे, यानी वो फुल्ली अमाउंट क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। ये बड़ा इसका प्रोविजन है। इसके अलावा यदि जो फूड फैसिलिटी है वो रिमोट एरिया के अंदर दी जाती है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन के अंदर ये अमाउंट है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। यदि फूड फैसिलिटी दी जाती है रिमोट एरिया के अंदर, है ना, तो वो अमाउंट क्या होगा आपका, फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। ये बड़ा इसके अंदर आपका नेक्स्ट पॉइंट था।
यदि इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉई को फूड की टी स्नैक्स कॉफी सॉफ्ट ड्रिंक अगर फैसिलिटी दे रहे हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी अपने को कैसे डिसाइड करनी है, एकदम सिंपल वे के अंदर बड़ा इसको तैयार करना है तो ये आपका हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इसके अंदर वो अपन ले रहे हैं इसके अंदर गिफ्ट टू इम्प्लॉई। यदि इम्प्लॉयर अपने इम्प्लॉई को गिफ्ट दे रहा है या गिफ्ट रूम में कोई भी अमाउंट यानी कैश पेमेंट करता है या मान लीजिए काइंड के अंदर देता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं इसके अंदर। इसमें बड़ा गिफ्ट टू इम्प्लॉयज के दो पार्ट बनाए मैंने। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है इफ एनी कैश रिसीव्ड इन कैश या तो नगद के अंदर या चेक के अंदर या ड्राफ्ट में या अदर इंस्ट्रूमेंट कन्वर्ट इन कैश, यानी ऐसा कोई भी मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है प्रपत्र है जिसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं देन फुल्ली टैक्सेबल। यानी यदि कोई कैश के अंदर गिफ्ट प्राप्त करता है चाहे वो कितना अमाउंट हो, 100 रुपये भी अगर उसको मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, यदि 1,00,000 भी मिला है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, कैश के अंदर या कैश के अंदर मिला है या चेक के रूम में मिला है या ड्राफ्ट के रूम में या अदर इंस्ट्रूमेंट के रूम में मिला है जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये इसका सिंपल प्रोविजन है। ठीक है, तो कैश के रूम में कितना भी गिफ्ट मिला हो वो फुल्ली टैक्सेबल है विदाउट किसी रिस्ट्रिक्शंस के, यानी उसके ऊपर कोई भी अमाउंट को उसके ऊपर जो एग्जेंप्शन है वो नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर यदि गिफ्ट इन काइंड, यदि बड़ा वस्तु के रूप में यदि कोई भी गिफ्ट मिलता है इम्प्लॉयर से इम्प्लॉई को तो वो कैसे अपने को टैक्सेबिलिटी निकालनी है वो देखिए आप। यदि गिफ्ट रिसीव्ड इन काइंड के अंदर है आर एग्जेम्प्टेड अप टू ₹5,000 पर ईयर, यानी वो ₹5,000 बड़ा पर ईयर तक तो एग्जेम्प्टेड है, ₹5,000 तक एग्जेम्प्टेड है और इसके अंदर एक्सेस अमाउंट यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका वो अमाउंट टैक्सेबल होगा। ठीक है, यानी इसके अंदर बड़ा जैसे एक क्लोथ का गिफ्ट बैग दिया इम्प्लॉय ने अपने इम्प्लॉय को, उसका जो कॉस्ट है वो 7500 है, 7,500 रुपये, देन क्या करेंगे इसके अंदर 5,000 रुपये तक तो एग्जेम्प्टेड है तो उसमें 5,000 रुपये कम कर दीजिए, 2500 अपना क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। यदि ये काइंड में मिलता है तब तो 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्टेड है, यानी मान लीजिए एक ऐसा गिफ्ट मिला बड़ा काइंड के अंदर जिसकी कॉस्ट है वो 4,500 रुपये, तो 4,500 रुपये होने का मतलब पूरी अमाउंट अगर क्या हो जाएगी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी क्योंकि 5,000 रुपये तक तो वो टैक्स लगता ही नहीं, 5,000 रुपये तक एग्जेम्प्ट है। यदि कैश के अंदर बड़ा 2,000 रुपये का एक चेक मिला तो वो फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी पाबंदी नहीं है, कोई भी इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो गिफ्ट का बड़ा 2 ही है, यदि नगद में मिल रहा है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है बिना किसी लिमिटेशन के, और यदि काइंड में मिल रहा है तो 5,000 रुपये तक का लिमिटेशन, यदि 5,000 से कम मतलब तो पूरा एग्जेम्प्ट है, यदि 5,000 से ज़्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है वो क्या हो जाएगा इसके अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। ये बड़ा आपका पॉइंट था गिफ्ट टू इम्प्लॉयज, यदि इम्प्लॉयज को गिफ्ट मिलता है इम्प्लॉयर से तो उसकी टैक्सेबिलिटी है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ा पॉइंट है। अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखना, प्रोविजन से बड़ा साथ साथ में लिखा भी करो, उनको याद भी कीजिए, या आप ये सोचते हो कि एक साथ लिख के एक साथ याद कर लेंगे कभी बड़ा पॉसिबल नहीं है, तो इसके अंदर जैसे अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं वीडियो के माध्यम से क्योंकि बड़ा अपनी जो क्लासेज है वो अभी तक पॉसिबल नहीं है लगनी इसके अंदर, ये आपकी क्लासेज ही है ये मान लीजिए, क्योंकि इनके द्वारा हम आपको जो बता रहे हैं ये आपने नोट ये अपनी जो बुक्स वगैरह है वो बताई थी आपको कि बुक्स परचेज कर लीजिए मार्केट के अंदर आ गई है, अगर आपने नहीं खरीदी तो उसको परचेज करो बड़ा, इन प्रोविजंस को उससे देखिए कि अपने अकॉर्डिंग टू इसके अंदर बुक्स अपन चल रहे हैं इसके अंदर, और उसके बाद में अपने जो प्रोविजंस है इनको लिखना ही नहीं है है ना, इनको लिखना है के साथ साथ आपको याद भी करना है, ये दोनों काम आपको साथ में करने, उसके बाद में आपके प्रोविजन जब बढ़िया तैयार हो जाएंगे तो बड़ा आपके जो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन अपन करेंगे इसकी प्रॉब्लम वगैरह सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। तो आज तो बड़ा अपन इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।